आदत है और बीजेपी वाले लोग को ऐसे ही अनर्गल बात बोलने की आदत है, उनका जवाब हम नहीं देते। पदाधिकारी भी पी रहे हैं और नेता भी पी रहे हैं। नीतीश कुमार को कबूल कर लेना चाहिए कि उनकी शराबबंदी फेल होगी। IVTV देखता है इंडिया। नमस्कार, आप देख रहे हैं IVTV और मैं दक्षा प्रिया आपके साथ। बिहार में शराबबंदी है, लेकिन बिहार में जहरीली शराब से हुई मौतों को लेकर के विपक्ष लगातार जो है सो नीतीश सरकार को घेरते हुए नजर आता है। साथ ही साथ आपको बता दें कि विधानसभा का शीतकालीन सत्र शुरू हो गया है, जिसमें विपक्ष के कई बड़े नेता नीतीश सरकार को शराबबंदी और जहरीली शराब से हुई मौतों को लेकर घेरते हुए नजर आए। अब सवाल है कि जीवेश मिश्रा को बबूरदा राम मिल गया है, किसी तरह जीत गए या किसी तरह आकर मंत्री बन गए हैं, तो उनको बोलने की आदत है और बीजेपी वाले लोग को ऐसे ही अनर्गल बात बोलने की आदत है, उनका जवाब हम नहीं देते। आपको क्या लगता है जमीनी हकीकत क्या है शराबबंदी की? शराबबंदी तो है ही नहीं, और मुख्यमंत्री के इर्द गिर्द रहने वाले लोगों के देखरेख में शराब खुल्लेआम बिक रहा है, और जिस राज्य में RCP टैक्स देकर लोग अगर पोस्टिंग लेते हैं कराते हैं मैं पोस्टिंग होती है, तो उस राज में शराब कभी बंद नहीं हो सकता। आप होता है कि आप बयान भी दे रहे हैं कि सत्ता में बैठे हुए कुछ लोग भी शराब का सेवन करते हैं? हाँ, निश्चित रूप से सेवन करते हैं और लोग जानते हैं, और मैं जब कह रहा हूँ तो उनके दिल में धड़धक्की भी हो रहा होगा कि कहीं नाम ना बता दें। पदाधिकारी भी पी रहे हैं और नेता भी पी रहे हैं। सबको बचना चाहिए, कानून का पालन करना चाहिए, सरकार को भी इस पर सजग रहना चाहिए, लेकिन सरकार के देखरेख में ही सारा शराब जो माफिया है उसके फूल फल रहे हैं। दावे के साथ मैं कर रहा हूँ जमीनी हकीकत है और दावे के साथ मैं कर रहा हूँ। शराब से मौतें हो रही है, नीतीश कुमार की शराबबंदी बिल्कुल फलप हो चुकी है, प्रशासन और राजनीतिक गठजोर से माफिया गठजोर से शराबबंदी चालू है। नीतीश कुमार को कबूल कर लेना चाहिए कि उनकी शराबबंदी फेल होगी। शराबबंदी के नाम पर गरीबों को जेल में ठूसा जा रहा है, जहरीली शराब से हुई मौतों के परिजनों को 10-10 लाख रुपया का मुआवजा देना होगा, और साथ साथ बिहार के मजदूरों को, प्रवासी मजदूरों को जम्मू कश्मीर से लेकर प्रदेश देश के हर भाग में हिस्से में उत्पीड़न हो रहा है, दमन हो रहा है, उन पर हमले हो रहे हैं, उनकी मौतों पर भी हम 10-10 लाख रुपये की मुआवजा का मांग करते हैं। फिलहाल इस खबर में इतना ही। बने रहिए हमारे साथ IVTV पर। हमें YouTube पर सब्सक्राइब करिए, Facebook पर लाइक करिए और Instagram और Twitter पर फॉलो करिए। धन्यवाद।